महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सूचना भवन में जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्ड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये कि बच्चों की गोपनीयता की असुंता बनाए रखी जा सके। इस सेमिनार में बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई, देखिए पूरी रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों की गोपनीयता की अक्षुण्णता बनाई रखी जा सके। मीडिया के जो भूमिका है होती है, तो सर के तरफ से हम लोग ये सुनने के लिए आए हैं। सर के बहुत ज़्यादा इसमें बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है, एक रिसोर्स पर्सन के रूप में सर हैं, और अभी हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य का जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें सर का 4 दिन का कोर्स हुआ है, तो ये सुनने के लिए हम लोग आए हैं। अभी जो हम लोग के यहाँ जो मिशन वात्सल्या जो स्कीम चल रही है, जो पहले ICPS समेकित बाल संरक्षण योजना, वो पूरी तरीके से मिशन वात्सल्या में समाहित हो गया है। मिशन वात्सल्या में बहुत वाइड मतलब व्यापक स्तर पे जिम्मेदारी और कार्य की क्रियान्वयन जो है उसमें संवेदनशीलता बरतने का भारत सरकार का निर्देश है। इसमें कन्वर्जन स्कोप अपनाया गया है और बहुत जो विभाग मतलब लगभग सभी विभाग की कोई ना कोई भूमिका का निर्धारण उसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें स्पॉन्सरशिप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गई है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सारे लोगों की इसमें भूमिका हो और सभी की बातें हम सुने, एक जन सहभागिता सबके साथ हो। तो निजी संगठन के जो कार्य है, संगठन है जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी बात भी सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज जो बैठक हो रही है ये इस पर है कि मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए बच्चों के बारे में, उसमें सर का जो छना हुआ फिल्टर एक्सपीरियंस जो है उसको हम लोग सुनेंगे और जो बात निकल कर आएगी उसको हम लोग प्रसारित करेंगे। यही आज के मुख्य उद्देश्य है कि जे एक्ट भारत सरकार का जो एक्ट है उसके सेक्शन 74 में बच्चों के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि उनका नाम पता तस्वीर किसी चीज़ प्रकाशन नहीं हो, उसको गोपनीय बनाए रखा जा सके। तो हम लोग इसको पालन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, किसी तरीके से कहीं लीक नहीं हो। तो ये गंभीर चीज़ है, संवेदनशील मामला है, सर इस पे ये कार्यक्रम आयोजन करना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने संरक्षण संस्था झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था इसकी अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ कीजिए, हमारे मीडिया बंधु को आप संवेदनशीलता के लिए एक लेसन दीजिए। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी डायरेक्टर आने वाली थी, कोई विशेष प्रयोजन की वजह से नहीं आ सकी हैं, तो ये संक्षिप्त विवरणी हमने आपको बताया। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।